अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको स्नैक प्लांट का और इसको लगाते कैसे हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये एक इंडोर प्लांट है और इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है ये सिल्वर सेंसिवीर है और ये जो उनसे सिल्वर कलर का है, मतलब इसके पत्ते बिल्कुल सिल्वर होते हैं और ये जो उनसे ये जो ज़ेब्रा के जैसे कलर होते हैं वैसे ग्रीनिश और थोड़ा सा दूसरी टाइप है इसकी, यानी दो डिफरेंट वराइटीज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसके अलावा भी बनाऊँगा उसमें सिलेंड्रिकल स्नैक प्लांट भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये हम घरों में कमरों के अंदर भी रख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। घरों में निकलने वाली जो डिफरेंट गैसेस होती हैं जो चूल्हा जलाने से और हमारे सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही चीप है, सस्ता सा है, आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और इसको उगाने का तरीका भी बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका एक पत्ता ले के काट के लगाना होता है, वो हम अभी लगाएँगे। तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हम सीड को इस्तेमाल नहीं करते मगर जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स हैं उनसे लीव्स और स्टेम वगैरह उसको इस्तेमाल करके हम प्रोपेगेशन करते हैं। तो ये सिल्वर सेंसिवीर है और ये दूसरा। अब इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है तो देखें, जैसे ये प्लांट जो है ये ग्रो किया होता तो इसकी गमले के नीचे से जो ये जड़ निकली हुई है, ये देखिए इसकी नीचे से जड़ निकल के और ये पूरा आगे से नया पौधा जो है वो निकला हुआ है। इसको भी हम तोड़ के अलग गमले में लगाएंगे, ये देखें ठीक है, इसको हम अलहदा भी लगा सकते हैं। इस तरह ये इसको कल्टीवेशन इस तरह से की जाती है ग्रो करवाने का तरीका वेजिटेटिवली। इसके अलावा हम इसका लीफ लेके किसी भी प्लांट का, जैसे ये प्लांट है, हम इसका यहाँ से सेक्शन लीफ काटेंगे, तो ये हमने लीफ लिया। इसको ग्रो करने का जो सिंपल तरीका है लीफ लेके, तो इसको ये मेरे पास गमला मौजूद है, या इसको पूरा लीफ लगा दें ऐसे ही सिंपल, या इसके भी सेक्शन काट के आप लगा दें। जैसे यहाँ से मैं इसको दो कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास इसके दो सेक्शन आ गए। अब मैं दोनों को गमले में लगा देता हूँ, तो तकरीबन दो से तीन महीने के बाद, तकरीबन दो से तीन महीने या एक महीना लग जाता है इनको। अब आगे बहार का मौसम आ रहा है तो इनकी जड़ें जो सी हैं वो जल्दी निकल आएंगी, तो एक या दो महीने के अंदर इसकी जो सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो सी हो जाती है, इसकी जड़ें निकल आती हैं और इसका नया पौधा जो सा है वो निकल आता है। जैसे अगर हम इस गमले को खाली करके देखते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये क्लोज़ करो इसको, ये आपको नज़र आ रहा है इसकी जो सी है नया प्लांट जो सा इसकी जड़ों के अंदर से निकल रहा है, तो इस तरह इसकी प्रोपेगेशन होती है। अगर हम इसे भी काट के ज़मीन में लगाएंगे तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है और इसे उगाया जाता है। तो आप बड़ी आसानी से इसे लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर लगाएँ ताकि जो होम पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो होम की होती है, घर के अंदर जो पोल्यूशन होती है उससे आप बच सकें। बहुत सारी जो ख़तरनाक गैसेज हैं, टोल्यूइन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे भी जो कमरे बंद होते हैं उनमें सफोकेशन की वजह से काफ़ी लोग मरते हैं, तो अगर ये प्लांट वगैरह आप लगाते हैं तो वो इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रखते हैं और कमरे में और घरों में ऑक्सीजन वगैरह की मिकदार जो है उनको मेनटेन रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें ताकि ये आपके कमरों को और घरों को और इन्वायरमेंट को साफ़ रखे और ये कोई भी कचरा वगैरह नहीं फैलाता, साफ़ सुथरा पौधा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। अल्लाह हाफिज़।